कथा तो एक ही है, कथा सब जानते हैं राम कथा में क्या है, लेकिन जितने भी वक्ता आते हैं, कोई शरणागति भाव से कथा सुनाता है, कोई ज्ञान रूपी कथा सुनाता है, कोई प्रेम से कथा सुनाता है, जितने भी वक्ताओं को आप सुनेंगे हर प्रकार से सुनाएंगे। गोस्वामी जी ने कथा सुनाई शरणागति घाट पे शरणागति भाव से, रामचरितमानस जी में जितनी शरणागति बातें आई हैं सब गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि ये राम कथा कलिका मद गाई, ये राम कथा ऐसी है कि अगर इस कथा से आप कुछ मांगे, हे प्रभु मुझे ये दे दो, ये कथा अवश्य देगी, हर कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ये कथा। लेकिन अब ऐसी भी कामना ना रहे कि हे प्रभु मेरा बगल वाला बहुत झगड़ा करता है, उसका विनाश हो जाए, ये मत मांगिएगा भाई, ये तो नहीं पूरा हो सकता। लेकिन अगर सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर कुछ कामना करते हैं आप, तो सब कुछ पूरा होगा, सब मिलेगा, ये कथा देगी। शरणागति भाव से गोस्वामी जी ने इस कथा को गाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो कथा गाने जा रहा हूं, इस कथा को तीर्थराज प्रयाग में किसने गाया, किसने गाया, याज्ञवल्क जी महाराज, किसको सुनाया, भरद्वाज जी को। अब कौन सा घाट आ गया, कर्मकांड घाट, दूसरा घाट कर्मकांड घाट। अब मानस जी में जितनी कर्मकांड की बातें कही गई हैं सब याज्ञवल्क जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, दूसरा घाट आ गया। याज्ञवल्क जी ने कहा कि भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सुनाया। अब तीसरा घाट आ गया, कौन सा घाट, ज्ञान घाट, ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी भी बातें मानस जी में लिखी गई हैं सब भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी भवानी ये कथा ऐसी है, ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। कैसी है, कुल्हाड़ी के समान है। ये कुल्हाड़ी क्या करेगी, जिस प्रकार से माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार से ये राम जी की जो कथा है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जितने महिषासुर हैं हमारे अंदर, ये सबका वध करेगी, ये राम कथा रूपी कुल्हाड़ी है, सबका विनाश करेगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। ये राम कथा ऐसी सुंदर ताली, ताली भी सुंदर होती है क्या, ताली भी सुंदर होती है, होती है। अब देखिए एक ताली जो सुंदर ताली होती है वो सम पे गिरती है, कहीं कोई भजन हुआ तो सम पे गिरेगी ताली, और जो बेताला ताली होती है वो कहीं भी लाके मार देंगे, कहीं भी लाके मार देंगे, सम से कोई मतलब नहीं है, ये बेताला ताली है, और जो सुंदर ताली है वो सम पे गिरेगी, अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि राम जी की जो कथा है ये सुंदर ताली है, और ये ताली क्या करेगी, मान लीजिए इस पांडाल में बहुत सारे पक्षी आकर के बैठे हुए हैं, और उन पक्षियों के पास जाकर के आप एक ताली बजाएंगे, क्या होगा, सारे पक्षी उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से ये राम कथा रूपी ये सुंदर ताली है, और इसको बजाने से क्या होगा, हमारे अंदर जो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जितने संशय रूपी पक्षी हैं ये सब उड़ जाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने ज्ञान घाट में मां पार्वती से कहा, देवी हे भवानी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो किसने, काग भुसुंडी जी महाराज ने गरुण जी को सुनाई, चौथा घाट।
कहां सुनाई? हिमालय में नीलगिरी पर्वत पे। अब देखिए क्या हुआ, काग भुसुंडी जी अभी अपना बढ़िया से तैयार हो रहे थे कि चले कथा गाने, और तब तक जो श्रोता था वही आकर के गाने लगा। अब सोचिए हम यहाँ कथा गाने आए हैं और मेरे कथा कहने से पहले श्रोता ही कथा गाने लगे। उसी प्रकार से हुआ, नीलगिरी पर्वत पे काग भुसुंडी जी अभी अपना गला साफ कर रहे हैं, अब गाना शुरू करें, अभी सोच रहे थे तब तक गरुण जी खुद गाने लगे कथा। आगे की कथाओं में वर्णन होगा, आप सुनेंगे कि राम जी